हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण छ विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, आप आग वर्षा ऋतु निबंध जोई गया। हवे आज आप राष्ट्रध्वज ए विषय निबंध जोईए। तो कि आप राष्ट्रध्वज है ये राष्ट्रनी स्वतंत्रता अने गौरवनु प्रतीक है। तो कि आप राष्ट्रध्वज में त्रण रंगों केसरी सफेद अने लीलो। तो केसरी रंग है ये वीरता प्रतीक है, त्याग अने बलिदाननी भावना व्यक्त करे छे। सफेद रंग छे ए प्रेम अने शांतिनो संदेशो आपे छे। अने लीलो रंग छे ए हरियाली क्रांतिनो प्रतीक छे। सफेद रंग छे एमा वच्चे एक अशोक चक्र छे। अशोक चक्र ए बधा धर्म प्रत्ये संभाव राखवानु सूचवे छे। राष्ट्रध्वज दरेक देश ने पोतानो ध्वज होय छे। राष्ट्रध्वज ए राष्ट्रनी स्वतंत्रतानो अने गौरवनो प्रतीक छे। आपनो राष्ट्रध्वज त्रिरंगो छे, तेमा केसरी सफेद अने लीलो एम त्रण रंगना पट्टा छे। सौथी ऊपर केसरी रंगनो पट्टो छे, ते वीरतानो प्रतीक छे। ते त्याग अने बलिदाननी भावना व्यक्त करे छे। ते आपणने आपणा देशनी महामूली आजादीना रक्षण माटे बलिदान आपवा तैयार रहेवानुं सूचवे छे। वच्चे सफेद रंगनो पट्टो छे। सफेद रंग शांति अने प्रेमनो संदेशो आपे छे। सौथी नीचे लीला रंगनो पट्टो छे। लीलो रंग हरियाली क्रांतिनुं प्रतीक छे। देश सतत प्रगति करतो रहे एवी भावना ते व्यक्त करे छे। सफेद रंगना पट्टामां अशोक चक्र छे। अशोक चक्र बधा धर्मो प्रत्ये संभाव राखवानुं सूचवे छे। पहेला आपणा देशमां अंग्रेजोनुं शासन हतुं। आपणो देश अंग्रेजोना शासन हेठळ परतंत्र हतो। आपणे आपणो राष्ट्रध्वज पण फरकावी शकता न हता। गांधीजीनी नेतागिरी हेठळ आपणे आजादी मेळवा अंग्रेजो सामे अनेक आंदोलनो कर्या। अनेक देशभक्तोए पोताना बलिदान आप्या। ए बधाने परिणामे 15 ऑगस्ट 1947 दिवसे आपणो देश आजाद थयो। आपणा देशमां आपणुं राज्य थयुं। आपणे आपणा राष्ट्रध्वज तरीके त्रिरंगो झंडो फरकाव्यो। 15 ऑगस्ट અને 26 જાન્યુઆરી જેવા રાષ્ટ્રીય તહેવારોના દિવસોએ આપણે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ છીએ। સરકારી મકાનો પર રાષ્ટ્રધ્વજ હંમેશા લહેરાતો રહે છે। મહાન નેતાનું અવસાન થાય ત્યારે રાષ્ટ્રધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે। એ નેતા પ્રત્યે સન્માન દર્શાવે છે। રાષ્ટ્રધ્વજ દેશની શાન છે। આપણે રાષ્ટ્રધ્વજનું ગૌરવ જાળવવું જોઈએ। આપણા પ્રાણ આપીને પણ રાષ્ટ્રધ્વજનું ગૌરવ વધારવું જોઈએ।